हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं ब्यूटीफुल आई मेकअप। इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है विद प्रोडक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आईब्रो को फिल करने से विद माय फेवरेट प्रोडक्ट सुगर कॉस्मेटिक आईब्रो पेंसिल। सो नेक्स्ट मैं एलेगर्ल की HD कंसीलर से अपने आईब्रोज को क्लीन कर लूंगी। सेम कंसीलर को मैं अप्लाई कर लूंगी अपनी आई लिड पे फॉर माय आई मेकअप बेस। देन पाउडर की हेल्प से मैंने आई लिड को सेट कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी पैलेट। इसमें से एक लाइट शेड लेके मैं अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पिंक कलर से मैं ट्रांजिशन शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कोई भी हार्श लाइन ना दिखे आईज पे। पिंक कलर में थोड़ा थोड़ा लेके बिल्डअप कर लूँगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आई लिड पे, क्रीज एरिया पे भी। सेम पैलेट से मैंने ब्लैक कलर लिया है, जिसे अपने आउटर आई लिड पे अप्लाई करूँगी विद स्मॉल ब्रश और इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैं इसे भी थोड़ा थोड़ा लेके बिल्डअप करूंगी एंड ब्लेंड करूंगी। अच्छे से इसे भी ब्लेंड कर लूंगी मैं ब्लैक कलर को एंड अगेन मैं हुडा की पैलेट से ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन शेड ले रही हूँ, जिसे अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी मैं। इसे आप चाहे फिंगर टिप्स से भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश से अप्लाई किया है और मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे भी दोनों आई शेड में कोई भी क्रीज लाइन ना दिखाई दे। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैबलिन का जेल आई लाइनर, जिसे मैंने पैक के एंगुलर ब्रश से अप्लाई किया है। सेम ब्रश की हेल्प से मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। इसे ब्लेंड करते हुए मैं अप्लाई कर रही हूँ। वाटर लाइन पे मैं मैबलिन का काजल अप्लाई कर रही हूँ और मस्कारा यहाँ पे मैं वॉल्यूम मस्कारा मैक का अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। मैं यहाँ पे पिगमेंटेशन एंड स्कार्स को हाइड करने के लिए एलेगर्ल का प्रो HD कंसीलर यूज कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। नाउ आई एम यूजिंग मैक फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड नंबर है N42। ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फ्रेंड्स, और मैं इसे एक प्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन एंड वीडियो आपको मिलती रहे। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे आईज के नीचे पाउडर से सेट करूँगी। पाउडर को सेट करने के लिए हमेशा हमें आईज के नीचे हमेशा स्मॉल ब्रश लेना है। अब मैं यहाँ पे फेस को कंटूर करने के लिए मेकअप स्टूडियो की पैलेट यूज कर रही हूँ, जो पाउडर शेड में है। इसे हम अच्छे से अपने चीक्स पे ब्लेंड कर लेंगे
इसे अपने जॉ लाइन पे भी ब्लेंड करेंगे। जिससे हमारा फेस शार्प एंड स्लिम दिखे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ चिक्स को हाईलाइट करने के लिए इन कलर की पैलेट। ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस, एक बार यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे लिप के लिए लिप लाइनर यूज कर रही हूँ फेसेस का रेड कलर। लिप्स को मैं यहाँ पे फिल करूँगी मैबलिन के मैट लिपस्टिक से। नाउ आई हैव डन माई मेकअप। दिस इज माई फाइनल लुक फ्रेंड्स। आपको ये लुक फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट